स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बीएससी बीएड और बीएससी पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन से संबंधित है। तो इस श्रृंखला का ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने शुरू किया था हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को। आज उसी हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो कल के बारे में थोड़ा सा अपन समराइज करते हैं कल के लेक्चर को। तो हमने बताया था कि जीएच हार्डी और डब्ल्यू विनबर्ग ये दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी अलग अलग की है, लेकिन दोनों को जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं वो एक समान प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस प्रिंसिपल को हम हार्डी विनबर्ग लॉ या प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अब ये नियम हमें क्या बताता है, तो कल के लेक्चर में हमने ऐसा डिस्कस किया था कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल हमें जानकारी देता है कि किसी पॉपुलेशन में कब इवोल्यूशन की प्रोसेस होगी और कब इवोल्यूशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो कब जैव विकास किसी समष्टि में होगा, कब जैव विकास किसी समष्टि में नहीं होगा, ये इन्फॉर्मेशन हमें हार्डी विनबर्ग लॉ या प्रिंसिपल से मिलती है। दूसरी बात, तो जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है इसे हम जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, जैव विकास का आनुवंशिक आधार, इस नाम से भी जानते हैं। ओके, तो डिस्कस हमने कल किया था, तो हमने मैथमेटिकली गणितीय रूप से हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को दो इक्वेशंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन, पी डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है, प्रभावी एलील की आवृत्ति है, क्यू रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी है, अप्रभावी एलील की आवृत्ति है। तो क्या कहता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, P प्लस क्यू इज वन मतलब प्रभावी एलील की आवृत्ति और अप्रभावी एलील की आवृत्ति यदि पीढ़ी दर पीढ़ी कॉन्स्टेंट बनी रहती हैं तो उस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन या उद्विकास की प्रक्रिया नहीं होगी। दूसरा जो मैथमेटिकल इक्वेशन है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का, वो हमने कल डिस्कस किया था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू वन। क्या कहती है ये इक्वेशन, कि जो पी स्क्वायर है वो होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप है, यानी समयुग्मजी प्रभावी जीन प्रारूप। दूसरा क्यू स्क्वायर है ये होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप है, समयुग्मजी
अप्रभावी जीन प्रारूप, और जो पी क्यू हैं ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप हैं, विषम युग्मजी प्रभावी जीन प्रारूप। तो क्या कहती है इक्वेशन, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी जीन प्रारूप आवृत्ति जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट रहे तो भी इवोल्यूशन या जो जैव विकास की प्रक्रिया है वो नहीं होगी, जीरो इवोल्यूशन होगा। तो ये मैथमेटिकली क्या कहता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अब हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो कब एप्लीकेबल होगा, इंपॉर्टेंट बात ये है, हम किन कंडीशंस में किसी पॉपुलेशन पर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, आज उन कंडीशंस उन एजम्पशंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने बोर्ड पे ऐसी कुछ कंडीशंस मेंशन की हैं और उन्हीं एजम्पशंस में या उन्हीं कंडीशंस में हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या है वो कंडीशंस, ये हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर वन, फर्स्ट कंडीशन जो मैंने मेंशन की है वो कंडीशन है हमारी कि जिस पॉपुलेशन पर ये लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं या एप्लीकेबल हो रहा है, उस पॉपुलेशन का साइज लार्ज होना चाहिए। तो हमने बात की है एक ऐसी पॉपुलेशन की जिसका साइज लार्ज है, यानी उसमें जो इंडिविजुअल्स मेंबर्स हैं वो अधिक संख्या में उपस्थित हैं। साथ में हमने मेंशन किया कि ये जो पॉपुलेशन है ये रैंडम मेटिंग वाली है। क्या मतलब है रैंडम मेटिंग का, हिंदी में कहूं यादृच्छिक प्रजनन वाली है। क्या कहेंगे इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें कि मान लो किसी पॉपुलेशन में खूब सारे मेंबर्स हैं और हर मेंबर को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, समान अवसर हैं दूसरे सदस्य के साथ प्रजनन करने के, मेटिंग करने के, तो ऐसी मेटिंग को हम रैंडम मेटिंग यादृच्छिक जनन कहेंगे। तो एक तो पॉपुलेशन बड़े साइज की हो, दूसरा उस पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। अगर ऐसी पॉपुलेशन है तो ही हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मान लो हम एक डिस्कस करें कि मान लो पॉपुलेशन का साइज छोटा होता या पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग नहीं होती, तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता था, मैं उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। मान लो कोई एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में डिफरेंट जीनोटाइप वाले मेंबर्स प्रेजेंट हैं, यहां तक ठीक। अब मान लो पॉपुलेशन का साइज लार्ज नहीं होकर स्मॉल है, पॉपुलेशन का साइज छोटा है। अब वहां पर जब पॉपुलेशन का साइज छोटा है तो ऐसी कंडीशन में रैंडम मेटिंग के चांसेस घट जाएंगे।
तो पॉपुलेशन अगर बड़ी है तो रैंडम मेटिंग हो सकती है, पॉपुलेशन अगर छोटे साइज की है तो रैंडम मेटिंग होना पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशंस में जब रैंडम मीटिंग ही नहीं हुई, सभी को समान इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो मान लो कुछ सदस्य ऐसे हैं उन्होंने ज्यादा अवसर प्राप्त किए मीटिंग के, तो उनके जो जीन है या उनका जो जीनोटाइप है उनकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएगी, और जिनको कम अवसर मिले उनके जीन और उनके जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कम। और हार्डी विनबर्ग लॉ तो कहता है कि इवोल्यूशन की रेट तब जीरो होगी जब जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे। लेकिन इस केस में क्या हुआ, हमने कहा रैंडम मेटिंग नहीं हुई, सभी मेंबर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जैसे एक एग्जांपल ले कि किसी पॉपुलेशन में टॉल यानी ज्यादा हाइट वाले और कम हाइट वाले मेंबर्स प्रेजेंट हैं। अब क्या किया जाता है उस पॉपुलेशन में कि जो ज्यादा हाइट वाले पुरुष है वो ज्यादा हाइट वाली महिलाओं के साथ मैरिज करते हैं, शॉर्ट हाइट वाले पुरुष शॉर्ट हाइट वाली महिलाओं के साथ मैरिज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या डिस्टर्ब हो गया, रैंडम मेटिंग डिस्टर्ब हो गई कि कोई भी सदस्य अब वो इक्वली उसे समान रूप से अवसर नहीं मिल रहा है कि वो किसी के भी साथ मेटिंग कर सके। तो रैंडम मेटिंग यहां डिस्टर्ब हुई तो उसके कारण जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी दोनों ही चेंज हो जाएगी, और जब जीन फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी नियत नहीं रहेगी तो इवोल्यूशन की प्रोसेस होगी, वो इवोल्यूशन की रेट जीरो नहीं होगी। इसलिए मेटिंग कैसी होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। और दूसरी चीज, रैंडम मीटिंग तब इजीली हो सकती है जब पॉपुलेशन का साइज लार्ज हो, अगर पॉपुलेशन का साइज स्मॉल है तो रैंडम मीटिंग संभव नहीं है। तो जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, जो साम्य अवस्था है, उसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो है पॉपुलेशन लार्ज हो और उसमें रैंडम मेटिंग हो, और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या चेंजेस होते हैं वो मैंने आपको बताए। नंबर टू, दूसरी बात हमने की है, कल भी हमने इसके लॉ में डिस्कस किया था कि कोई इवोल्यूशनरी फोर्स नहीं होना चाहिए, और मैंने यहां पर प्राकृतिक वर्ण, उत्परिवर्तन और प्रवास, माइग्रेशन म्यूटेशन नेचुरल सेलेक्शन के बारे में डिस्कस किया है। ये तीनों उद्विकासीय बल हैं, इन्हें इवोल्यूशनरी फोर्सेस के नाम से जानते हैं। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम या ये जो प्रिंसिपल है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब ये इवोल्यूशनरी फोर्सेस ना, तो मैंने लिखा है देयर इज नो नेचुरल सेलेक्शन, देयर इज नो म्यूटेशन, देयर इज नो माइग्रेशन। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि मान लो अगर पॉपुलेशन में नेचुरल सेलेक्शन हो रहा है, प्राकृतिक वरण या चयन की क्रिया हो रही है, मान लो कि उस पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप हैं, 5 से 7 प्रकार के जीनोटाइप उस पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, और नेचुरल सेलेक्शन एक कंडीशन माने कि ऑपरेट हो रहा है, लागू हो रहा है। तो नेचुरल सेलेक्शन क्या करता है कि नेचर सेलेक्ट करेगी जो फिट होगा, जो सबसे बढ़िया है, उस जीनोटाइप को नेचर ज्यादा चांस प्रोवाइड करेगी, और जो जीनोटाइप बेटर नहीं है
नेचर उसे कम चांसेस देगी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट हुआ तो सभी जो मेंबर्स थे पॉपुलेशन के उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी समान अवसर मिलने बंद हो गए। तो नेचुरल सिलेक्शन के कारण भी क्या अफेक्टेड होता है, रैंडम मेटिंग अफेक्टेड होती है कि जब हर जीनोटाइप को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो कुछ को तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ को कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मतलब जो रिप्रोडक्शन हो रहा था, जो प्रजनन हो रहा था, अब वो इक्वल फ्रीक्वेंसी में नहीं हो रहा है, उसमें पार्शियलिटी आ गई। तो कुछ ज्यादा फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं, कुछ कम फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होते ही वही जीन फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो इवोल्यूशन होगा। तो इवोल्यूशन नहीं हो इसके लिए जरूरी है कि उस पॉपुलेशन पर नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट नहीं होना चाहिए। देयर इज ए नो नेचुरल सिलेक्शन। तो किसी भी प्रकार का प्राकृतिक वरण अगर वहां नहीं होता है तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी विनबर्ग साम्य अवस्था संतुलित बनी रहती है। तीसरी बात की है म्यूटेशन की। म्यूटेशन एक प्रकार का सडन अचानक से आने वाला परिवर्तन है जो आनुवंशिक पदार्थ में आता है। तो अगर मान लो म्यूटेशन आएगा तो क्या होगा कि किसी एक पर्टिकुलर एलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और दूसरे एलील की फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो म्यूटेशन अगर होता है, यानी उत्परिवर्तन की क्रिया अगर किसी पॉपुलेशन पर हो रही है, तो क्या होगा उसके परिणाम स्वरूप कि म्यूटेशन के होने से एलील की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, उसमें विचलन आ जाएगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और जब एलील की आवृत्ति या जीन की आवृत्ति परिवर्तित तो हो जाएगी तो जैव विकास की क्रिया होगी। तो इसलिए उस पॉपुलेशन पर उत्परिवर्तन या म्यूटेशन भी नहीं होना चाहिए। अगर वहां उत्परिवर्तन होता है इसका मतलब हार्डी विनबर्ग साम्य अवस्था अब कार्य नहीं कर रही है, तो उत्परिवर्तन अनुपस्थित हो। अगली बात की है मैंने माइग्रेशन की, प्रवास की। प्रवास का मतलब है कई बार क्या होता है कि किसी पॉपुलेशन से कुछ मेंबर परमानेंटली अपनी नेटिव पॉपुलेशन को छोड़कर बाहर चले गए। उल्टा भी हो सकता है, उस पॉपुलेशन में कहीं और से कुछ मेंबर्स स्थायी रूप से आकर जुड़ गए। तो दोनों स्थितियों में क्या होता है, पॉपुलेशन के जीन पूल में परिवर्तन आ जाता है। अब जीन पूल क्या है कि किसी पॉपुलेशन में जितने भी सदस्य हैं उन सभी में उपस्थित जीन का टोटल नंबर, जीन की कुल संख्या जीन पूल कहलाती है। तो अगर मान लो माइग्रेशन हुआ, पहला केस डिस्कस करें, पॉपुलेशन से कुछ सदस्य परमानेंटली अपनी मूल समष्टि छोड़कर चले गए। तो जब वो सदस्य बाहर गए तो उनके जितने भी जीन थे वो भी उस पॉपुलेशन से बाहर चले गए, यानी जीन पूल का साइज छोटा हो गया। उल्टी स्थिति भी डिस्कस कर सकते हैं कि उस पॉपुलेशन में बाहर से कुछ दूसरे सदस्य आ गए, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन के अंदर नए सदस्यों के आने से नंबर ऑफ जीन बढ़ गए, यानी जीन पूल का साइज बढ़ गया। तो जब भी माइग्रेशन होगा जीन पूल का साइज चेंज हो जाएगा। और हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम ये कहता है कि जीन पूल का आकार जनरेशन टू जनरेशन
कांस्टेंट बना रहना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि प्रवास माइग्रेशन उस पॉपुलेशन में ना हो। और अगर ये होता है तो हार्डी विनबर्ग साम्य अवस्था अपना कार्य नहीं करेगी। तो ये इवोल्यूशनरी फोर्सेस की मैंने बात की, इनमें से कोई उद्विकासीय बल नहीं होना चाहिए, तभी हार्डी विनबर्ग साम्य अवस्था बनी रहेगी। अब लास्ट एक टॉपिक और रहता है इसकी कंडीशन, उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट आनुवंशिक विचलन कहते हैं। अब क्या है, हालांकि मैं अलग से एक शॉर्ट नोट, एक लेक्चर अलग से इस पे बनाएंगे आनुवंशिक विचलन पे, जेनेटिक ड्रिफ्ट पे। अभी यहां हम केवल इसको हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के संदर्भ में देखें। पहली चीज, जेनेटिक ड्रिफ्ट बाई चांस संयोगवश जीन की आवृत्ति में या एलील की आवृत्ति में आने वाले परिवर्तन है, लेकिन वो कैसे आएंगे, बाई चांस आएंगे, उन्हें हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। और जनरली ये परिवर्तन सैंपलिंग एरर के कारण आते हैं, तो जो छोटी साइज की पॉपुलेशन है वहां इनका प्रभाव ज्यादा होता है आनुवंशिक विचलन का। अगर कोई बड़े आकार की समष्टि है तो वहां इनका प्रभाव थोड़ा कम होता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करता है। तो हमने ये पांच कारण कंडीशन डिस्कस की जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करती है। तो ये कंडीशंस हैं, अगर ऐसी कंडीशंस है, ऐसे एजम्पशंस है, तो ही हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल लागू होगा। अब इस नियम का महत्व क्या है, तो जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है ये हमें जैव विकास के आनुवंशिक आधार के बारे में समझाता है कि किसी भी समष्टि में जब जैव विकास की क्रिया होती है तो उस जैव विकास की क्रिया का जेनेटिक बेसिस आनुवंशिक आधार क्या है। तो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं, जैव विकास तब हो सकता है जब जीन पूल चेंज हो जाए, जब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जीन प्रारूप आवृत्ति में परिवर्तन हो जाए, और तीसरी बात एलील की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन हो जाए। और अगर ऐसी कंडीशंस हैं, कोई उद्विकासीय बल ना हो, पॉपुलेशन बड़े आकार वाली हो, रैंडम मेटिंग वाली पॉपुलेशन हो, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जीन पूल चेंज नहीं होगा, जीन प्रारूप आवृत्ति चेंज नहीं होगी, एलील की आवृत्ति चेंज नहीं होगी। और जब ऐसे कोई परिवर्तन होगे ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब नियत रहेंगे और जैव विकास की प्रक्रिया जीरो होगी। बात ठीक। तो आज हमने हार्डी विनबर्ग लॉ की उन कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया। कल के लेक्चर में हम हार्डी विनबर्ग जो प्रिंसिपल है उस पर आधारित कुछ संख्यात्मक प्रश्न सॉल्यूशन करेंगे, उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि अगर हमें प्रभावी एलील की आवृत्ति दी हुई हो तो हम किस प्रकार पॉपुलेशन में जीन प्रारूप आवृत्ति को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कल डिस्कस करेंगे जीन फ्रीक्वेंसी यानी एलील फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, और किस प्रकार हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को यूज में लेकर हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको इजीली समझ में आया होगा। हमारे एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग
हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पर 7.5 मार्क्स का एक पूरा बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो मैंने पार्ट वन और पार्ट टू में इस पूरे क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।